Now we would like to request our chief guest chef Sudhir Sibbal ji to enlighten us with his words of wisdom. Very big clap. नमस्कार जी। बहुत दिल खुश होता है जब इतने सफ़ेद जैकेट्स के अंदर अपने लोग दिखते हैं, श्रोतागण देखते हैं, तो लगता है कि अपना ही प्रोग्राम है। आज बहुत खुशी हुई जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मदन जी जिन्होंने थोड़ा सा मुझे इंट्रोड्यूस करा पहले। और ये ऐसा मौका है, वैसे तो पहले बहुत खुशी हुई इसी बात ही की कि शेफ़ लोगों के लिए कुछ काम हो रहा है और उसके लिए आप लोगों ने कुछ शुरुआत करी है। जुड़वाल जैसे की तरह हम इतने अच्छे स्पीकर तो हैं नहीं, बट इतना ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत अपनी कन्वे कर पाएंगे, आप लोगों से साथ शेयर कर पाएंगे। ये जो मीडियम है हमारा, शेफ़ लोगों के लिए कोई मैगज़ीन या पोर्टल या ये, इसकी बहुत ज़रूरत थी, ज़रूरत है अभी भी, और ये गैप है, ये हमारे जो उसकी जरूरत थी जिसके लिए, और ये हर कैटेगरी के लिए चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर दिसिंग, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि एक मैगज़ीन शेफ़ की जो सबसे पहले शुरू करी है वो शेफ़ गिल और हम दोनों ने मिलके ही शुरू करी है, और वो उसका लेवल एक इंटरनेशनल लेवल के लिए है, बट उससे पूरा नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता, कुछ परसेंटेज भी नहीं, कहते पॉइंट पॉइंट कुछ वो भी नहीं पूरी होती, पर आपकी जो मैगज़ीन अगर ये चीज़ आती है तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप है जिसको आप फिल कर सकेंगे। पहले थोड़ा शुरुआत करता हूँ मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के आपने बताया कि वहाँ पे जो हैं लोग ज़्यादातर यहाँ तो फौज में जाते हैं या इसमें जाते हैं, मैं आधा उत्तराखंडी हूँ क्योंकि मैं शुरू से फौज में जाना चाहता था और आ इस लाइन में गया रहा, पढ़ा मैं सैनिक स्कूल से और वहीं फ़ौज में जाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट, बट नाउ सिंस आई एम शेफ़ तो उसमें कोई कमी और कोई वो नहीं लगता कि किस चीज़ में पीछे रह गए। तो शेफ़ का काम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी और व्यवसाय में होगा। जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपने शेफ़ लोगों का बता दूं आपको कि एसोसिएशन में रहना, एक इकट्ठे एक कुछ ग्रुप में रहना, आप बहुत कुछ सीखते हो एक दूसरे के साथ। अपने में आप अपने आप को अपने किचन का राजा समझते हो, पर जब आप बाहर जाते हो, कंपटीशन में आते हो, किसी चीज़ में साथ मिलते जुलते हो, तो आप देखते हो कि दुनिया में और क्या क्या हो रहा है और किस किस तरीके से हो रहा है, एक ही चीज़ को किस तरीके से बनाया जा रहा है वो दूसरे लोग और क्या बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, वो तभी देख पाओगे जब ऐसे कंपटीशन होंगे जो आप सोच रहे हैं। एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ मिलके जो आपको एक मन लगाओ, देखो हर लाइन का एक अलग रहा है, उनकी एसोसिएशन, उनके क्लब बने, सब चीज़ रहती थी, पर शेफ़ लोगों के पास कभी भी ये चीज़ की कमी रही है कि वो हमेशा बैक ऑफ द हाउस रहते थे, उनको वो मौका ही नहीं मिलता था कि सारा दिन तो उन्होंने काम करना, किचन में करना, लेट आना, और कोई पूछता भी नहीं था सामने, क्योंकि अपने ना उस टाइम ऐसे टाइम पर हम निकले हैं कि जब रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते थे आप, वहाँ पर किचन में रहते थे। तो वो चीज़ अब जो मौका मिल रहा है उसमें कि आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, अब कोई शेफ़ एक वो नहीं रहा, अब जो शेफ़ का काम है सिर्फ खाना बनाना ही नहीं रहा, अब खाना बना के उसको बेचना, उसको बताना उसके बारे में, उसको क्रिएट करना, उसकी जो रेसिपीज़ बनानी है या उनको दुनिया के आगे लेके आना। एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जिसके ऊपर अब बहुत वर्ल्ड में काम हो रहा है और शेफ़ लोग भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो वेस्टेज भी हो कि हमें कितना खाना हमारा वेस्ट हो रहा है उसको संभालना हमने, या उसको हमने कैसे बचाना है। कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो अभी रिपोर्ट आई है, जो इस हमारी मेरी मैगज़ीन जो अभी अंडर प्रिंट है क्यूज़ीन डाइजेस्ट के नाम से जो अभी है, अभी आएगा इशू, उसमें सारा कुछ इसी के बारे में ही लिखा हुआ है। 10 लाख के करीब ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो चाहे वो एनिमल वर्ल्ड के हों, वेजिटेबल वर्ल्ड के हों, मसाले के हों, जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो अगले 10 साल में नहीं खत्म रहेंगे, और वो क्या रीज़न है, क्योंकि हम उसका ना अपना ध्यान रख पा रहे हैं, ना हम उनको कुछ चाहे वो हमने पेड़ काटने हैं या हमने पौधों के जहाँ इनफैक्ट आप जो अब लगाते भी हैं, जो अपनी एग्रीकल्चर है जिसकी रिक्वायरमेंट आपके पास, आप तो वही देखते थे कि जो डिमांड बन रही है, आज अगर ब्रोकली चल रही है तो ब्रोकली चलती जा रही है, ब्रोकली की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या गोभी है तो सारा साल,
हमने देखा है कि अगर सीजन में ही खाना ठीक है, आप सबको पता भी होगा, और जो एक लोकल जो चीज़ें होती हैं वही उसी के उस लोगों के लिए रहने के लिए अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। वहाँ पे अगर आप फोर्स करोगे कि उनको वैसी चीज़ें बाहर से ला के दो और वो उनको खिलाओ और वो बनाओ, वो ज़्यादा देर चलती नहीं है। और वो अगर चलेंगी तो वो स्वाद के लिए है, पर वो हमारे अपने लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। आपको जितनी लोकल चीज़ें, सीज़न की चीज़ें, उन्हीं पर ध्यान रखना चाहिए, और जिनका आगे के लिए हम उनको आगे बढ़ा सकें, उनका ध्यान रख सकें कि वो उनका उनकी कोई ख़त्म ना हो, उनके लिए आगे कोई ना रास्ता रहे कि हमारे जब आगे बच्चे या उनके बच्चे हों तो उनको वो चीज़ें मिलें। अभी जो हालात हो गए हैं वो ये है कि आपको ऐसी चीज़ों की तंगी होनी शुरू हो गई है, चाहे फॉर वट एवर रीज़न, इट इज़ नॉट ओनली कि हम पेड़ों को काट दिया या हमने ये चीज़ें उगाई नहीं है या उनका नहीं करा, और बहुत चीज़ों का हम वेस्टेज कर रहे हैं हमने, जिसके कारण हमारा ये चीज़ों की ख़त्म होती जा रही है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी एक जिम्मेवारी शेफ़ की हो जाती है, और ये आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है शेफ़ के ऊपर जिम्मेवारी। वो इसलिए कि शेफ़ एक इन्फ्लुएंस कर सकता है, शेफ़ इस माध्यम से, चाहे वो एक मीडियम को ही ले लीजिए, चाहे वो यूट्यूब क्या हो, फूड चैनल की बात कर रहे थे अब टीवी चैनल के ऊपर, या इवन मैगज़ीन के अंदर आप जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो बताते हैं, वो शेफ़ की बात सुनते हैं। वो टाइम आ गया है कि जब मैं थोड़ा बता दूं आपको, जब मैंने ज्वाइन किया था 40-45 साल पहले, तो उस लाइन में हमारे होटलों में, बड़े होटलों में बांग्लादेशी शेफ़ होते थे, या ज़्यादातर गोनीज होते थे, क्यों, खाना ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल और वो बनता था, कोल्ड का जोर था ज़्यादा इन चीज़ों पे। पर अब जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि 80% हम गढ़वाल के लोग हर जगह पहुँचे हुए हैं और बहुत सा काम कर रहे हैं, इस बात के लिए मैं आप सबको एक बार फिर कहूँगा कि इससे क्लैपिंग हो जाएगी। उसमें इसको एक पर्टिकुलर खाने के लिए नहीं चाहते, आप किसी भी फील्ड में बोल दीजिए, गढ़वाल के लोग वहाँ पे, उत्तराखंड के सॉरी, वहाँ पे आप उस चीज़ में, चाहे वो इंडियन खाना हो, चाहे वो कोल्ड का हो, चाहे किसी भी फील्ड में, वहाँ पहुँचे और माहिर हो चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने बताया था कि ये जॉब की जो रही है, आई थिंक थोड़ा सा ये गैप है हमारी इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच में, वो उसको थोड़ा दूर करना है कि हम पढ़ाते जो हैं वो हम इंडस्ट्री के साथ मिलके कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हम फुलफ़िल करें, उसी को उस तरीके से पढ़ाया जाए कि जब इंडस्ट्री में बच्चा आए आपका स्कूल स्टूडेंट, तो वो वहाँ पे बड़ा अजीब सा लगे उसके लिए कि वही चीज़ है सब कुछ, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को अगर मौका मिले कि उनको होटलों में, रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए, उनको दिखाने के लिए, थोड़ा सा उनको एक इसका कॉन्फिडेंस आता है, उनको समझ भी आती है इस चीज़ की। दूसरी रही कि इस माध्यम से आप थोड़ी सी जो एक रिक्वायरमेंट है अभी भी ऐसी है कि इतनी इंडस्ट्री के लोग मांग रहे हैं जॉब्स, हमारे पास कई व्हाट्सएप ग्रुप और ये बने हुए हैं ग्रुप, उसमें ग्रुप बने हुए हैं जिसमें रोज़ की रोज़ इतनी रिक्वायरमेंट आ रही हैं, उनको लोग नहीं मिल रहे, और इधर ऐसे हैं कि इधर इतने लोगों के पास जॉब नहीं है, उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही, और प्रॉपर ये चीज़ की थोड़ी कोऑर्डिनेशन आई थिंक इसमें आप लोगों का फिर इसमें आ जाएगा कि आप इस पोर्टल के थ्रू अगर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी रखना चाहेंगे जिसमें आप पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दी पोर्टल जिसमें आप ये रखें कि जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी उसमें दें, तो लड़की ये दोनों का एक माध्यम से पूरा सेट हो सके, इंडस्ट्री के लिए भी और अपने जिनकी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। अपनी एसोसिएशन के साथ रहना, जो आपने एक शेफ्स वर्ल्ड की एसोसिएशन में आ रही है कि 85 के करीब, 84-85 में हमने ये एसोसिएशन का इकट्ठा मुद्दा उठाया था दिल्ली में, और उस टाइम एक लॉ टॉक ब्लांच होती थी, एक फ्रेंच एसोसिएशन थी, उसके कुछ हम मेंबर बने, वो फ्रांस में होती, उसके 3 साल तक हम उसी के मेंबर बने, बड़ी महंगी पड़ती थी हमारे लिए वो एसोसिएशन में मेंबर बनना, पर यहाँ पे कुछ दिल्ली में लोग इकट्ठे तो हुए इसी बार में, एक शेफ ताज में अरविंद सरस्वत होते थे, और मौर्या में शेफ गिल थे, मंजीत गिल, वो अभी भी हैं हमारे साथ, वो हम और मैं ITDC से था, अशोका से, उस अशोका में एग्जीक्यूटिव शेफ था तब, दैट्स द टाइम व्हेन वी गॉट टुगेदर और वी गॉट दिस एसोसिएशन रजिस्टर्ड। तो वो 3 साल चली लद्दाख ब्रांच, उसके बाद हमने इंडियन कुलरी फेडरेशन के नाम से इसको शुरू किया था,
पर वो फेडरेशन नहीं बना पाए थे कि फेडरेशन में आपको और क्लब्स और भी एसोसिएशन होनी चाहिए, तभी फेडरेशन बनती है। तो देन वी कन्वर्टेड दैट इनटू इंडियन क्विलटिंग फोरम। तो मैं उसका 16 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ एसोसिएशन का। पर एसोसिएशन की थोड़ी सी बता दूँ कि इसमें इतने फ़ायदे हैं कि मुझे कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती थी जिन चीज़ों की। आई होप वी हैव टाइम ना, मैं थोड़ा सा, हाँ ये मेरी गप्पे हैं थोड़ी सी, हाँ अरे नहीं नहीं थैंक यू। एक अशोका में जब हम मैं एग्जीक्यूटिव शेफ था, तो थोड़े एक दो किस्से हैं बता दो जिससे मुझे दिक्कत हमारी हुई थी कि ब्रोकली नहीं पिमेंटोस, पिमेंटोस हमारे पास इस टाइम ना, ये ब्रोकली पिमेंटोस वगैरह एवोकाडो आर्टिचोक वगैरह ये दिल्ली में नहीं मिलते थे, ये अब इनको नाम ही नहीं पता होता। तो अगर इसको मेन्यू में डाला भी है तो हम ये ऊटी से मंगाया करते थे, थोड़ा बहुत जो होता था तो ऊटी से होता था, उसी को अप्लाई करते थे, यहाँ ट्रेन से आता था। तो हमारे मेन्यू में सिर्स मैं प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल केटरिंग देखता था, और इसके लिए हमने उनका जो मेन्यू बनाया था उसमें एक बार ये पेमेंटोज आ गए थे, और हमारे पास पेमेंटोज हम नहीं ऑर्डर कर सके। तो मैंने अपने रिक्वेस्ट करा बाकी शेफ्स को, मेंबर्स जो थे, तो हयात होटल नया खुला था उस टाइम, उन्होंने उनके वहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ सरदार जी थे, अब तो ऑस्ट्रेलिया में चले गए वो, उन्होंने कहा कि मेरे पास है आप आ जाओ मैं आपको दे दूँगा। पर उसका ना मैं तो ना तो मैं आपका वो गेट पास बना सकता हूँ, आपको लॉबी में आना पड़ेगा, लॉबी से ले जाना पड़ेगा। देखो ये है तो गलत चीज कि आप उसको, पर एज ए शेफ के लिए, क्योंकि मैंने उसको कुछ बेचना नहीं था, मैंने किसी उसका कमाना नहीं था, मैंने एक अपनी देश के लिए ही उसके लिए प्रधानमंत्री के फंक्शन के लिए जा रहा था तो उसमें यूज़ करना। तो मैंने वहाँ पे वो पेमेंट्स उनसे लिए, लॉबी में आया और मैंने उसको यूज़ किया, एक चीज़ का समाधान हो गया। नहीं तो कितनी हमारी इंसल्ट होनी थी कि एक हिंदुस्तान में एक आइटम नहीं दे पाए, क्योंकि जो मेन्यू बनता था ये इसकी ट्रायल हो जाती थी पहले डेढ़ दो महीने पहले, और बाद में जब फाइनल होता था। सिमिलरली एक बार किस्सा हुआ था इसके ऊपर, हमारे दिसंबर के महीने में फुल ट्रायल हुई थी, तो उसमें हमने कि चिकन का आइटम, क्योंकि ट्राई करते रहते नए नए आइटम बनाते थे, चेस्टनट उस टाइम जो रोस्ट टर्की के चेस्टनट में कल सुना होगा आप लोग, वो काफ़ी उस टाइम हमने उसमें बना के चिकन के अंदर दिया था, चिकन के साथ में ब्राउन सॉस के साथ, ब्राउन ग्रेवी के साथ, वेट वॉज अप्रूव्ड। अब दो तीन आइटम देते थे उसमें से एक अप्रूव होता था, तो वो पहले हम भूल गए, तो मेनू देने के बाद वो ख़त्म हो गई बात, दिसंबर की बात थी। जनवरी के जब ये 26 जनवरी के आसपास जो आते हैं गेस्ट, तो उन्होंने वीआईपी गेस्ट, तो उस टाइम वो उनके लिए होस्ट करना था पीएम ने, और वही वाला मेनू आ गया जिसमें चेस्टनट, और उस टाइम ना ये चेस्टनट ऐसे अवेलेबल नहीं कि सारा साल मिल जाते हैं, उस टाइम वो दिसंबर के महीने में ही चेस्टनट आते थे और होटलों में यूज़ होते थे फाइव स्टार में, और फिर ख़त्म हो जाता था, उसके बाद वो चेस्टनट यूज़ नहीं होता था। बिलीव नहीं करोगे, मैं सारे होटलों में ट्राई करता रहा, और फाइनली मुझे उस टाइम एक सिंटोर होटल जो वहाँ पे आरवी सिंगल होते थे शेफ़ उस टाइम वहाँ पे, उनके पास वो चॉप्ड वाले थे जो दाने होते हैं ना उसके, चेस्टनट आई कुड एटलीस्ट यूज़ दैट। तो मतलब कि ऐसे शेफ्स के साथ आप मौका। एक और बात हुई थी जब हम अपना एक शेफ एंड चाइल्ड हम डिनर करते थे एक चैरिटी का, जिसमें सारे शेफ मिलके, एग्जीक्यूटिव शेफ मिलके होटलों के खाना बनाते थे, और वो खाना हम बेचते थे आम पब्लिक के लिए, और वो अच्छे रेट पे। ये हमने 95 में शुरू किया था, और उसमें दिल्ली के सारे टॉप होटल्स के एग्जीक्यूटिव शेफ आए, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वो इकट्ठे होते हैं तब तो पता लगता है कि हम एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं। ओबरॉयज का एग्जीक्यूटिव शेफ ने एक शोबे दिया, इसके जो क्लेरिजिस और सूर्य होटल होता था उस टाइम, इन दोनों के एग्जीक्यूटिव शेफ ने एक कोर्स दिया था, आंतरे कोर्स दिया था, डेजर्ट ताज वालों ने दी थी, और जो इसका एपेटाइज़र था वो मौर्या ने दिया, ऐसे करते करते, और मेन कोर्स हमने अशोका से दिया था। तो जब ये करने लगे तो अशोका में उस टाइम हमारे पास वो प्लेट्स ऑफ क्रॉकरी नहीं होती, जो आजकल फ्लैट क्रॉकरी आप यूज़ करते हैं, तो हमारे पास वो नहीं हो, ओवल शेप की ऐसी होती थी, उसके अंदर खाना लगा के उसकी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हम, क्योंकि हम पहले तो खाना डोंगों में जाता था, एक ओकर डिशेज में जाता था, तो वो चीज़ें नहीं होती थी।
ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को नहीं भी पता होंगी, बट आप जब पुराने लोग समझ पाएंगे कि वो क्या उस टाइम मकसद था उसका। करने के लिए हमने क्रॉकरी, हमारे पास वो नहीं अच्छी थी, तो ताज हम बैठे इकट्ठे मीटिंग कर रहे थे, अरविंद सरस्वत, मैं और मंजीत गिल, और उन्होंने कहा जी यार ये चलेगा नहीं, करनी है शौका में ही है, और कहीं हो नहीं सकती, और प्लेटें क्रॉकरी है नहीं, और क्रॉकरी 300-350-400 आदमी के लिए सेट डाउन देना है, और वो ऐसा नहीं हो पाएगा। और प्लेटेड फूड था, प्लेटेड फूड भी इतनी आदत नहीं है कि हमारे पास इतने ट्रॉलर्स और स्ट्रॉलर्स और वो नहीं होते थे। तो हमने, ताज ने हमें वो क्रॉकरी ऑफर करी, उस टाइम नई नई वाइट ऑक्टेंगल क्रॉकरी आई थी, पूरा पूरा सेट ताज से अशोका में आया, और अशोका में वो यूज़ हुआ उस फंक्शन के लिए। कैन यू बिलीव इट, ये कहीं भी कोई भी होटल चेन एक दूसरे को कभी देते नहीं है, आपस में इतना कंपटीशन है, अपना रेवलरी है, और अदरवाइज ऑल्सो एक उसकी आती है, पर ये एक शेफ ही था जो एक शेफ दूसरे शेफ के साथ अपने होटल में कर सका। तो ये जो एक आपका अपना मिलना मिलाना है, ये इतना फ़र्क पड़ जाता है कि आप किसी भी जगह किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आपको वहाँ पे अपने शेफों को बोलिए, कुछ काम बोलिए, कि आपको मदद देंगे, आउट ऑफ द वे करेंगे, हेल्प करेंगे। इसमें आई डोंट नो और क्या, मैं तो कुछ ऐसी बोलता रहूँगा तो बहुत लंबी बातें हैं, पर आपने ये जो काम शुरू किया है, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपसे मांगूंगा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर, ये तो थोड़ा सा आप इस पर थोड़ी और डिस्कशन करिए विद योर ओन स्टूडेंट्स, और मतलब विद योर ओन टीम। आपकी टीम मुझे पता है बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर और शेफों के साथ मिलकर थोड़ा सा कि आपको क्या क्या होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मेरी मैगजीन के अंदर क्या क्या आता है, सो उससे थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा। इसमें एक तो इंटरनेशनल हम एक पार्ट लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई कंट्री की एक क्यूजीन ले लेते हैं, उसके वहाँ के उनकी कल्चर, उनका खाना, उनके शेफ की कोई बनाई हुई रेसिपीज वो उसमें होती हैं अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स। ये हम एक कंट्री को, एक कंट्री या एरिया को कवर कर लेते हैं वर्ल्ड का। एक होता है हमारा रीजन का, रीजन में हमने इनफैक्ट सबसे पहली बार जो मेरा इशू हुआ था सितंबर 2017 में, वो गढ़वाल का ही था, रीजन का लिया था, और ऐसे ही रीजन के हम अलग अलग रीजन का लेते हैं, उसके अंदर उसी की वहाँ की कल्चर, रेसिपीज़, खाना उनका वहाँ पे क्या चीज़ खासियत है, और थोड़ा सा मिलता जुलता चीज़ें, बर्तन क्या यूज़ होते हैं, कैसी हैं चीज़ें, ये हमारी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसका हम एक जब तक एक दूसरे शेयर नहीं करेंगे, हम अपने जहाँ रहते हैं हम वहीं के लोग जानते हैं अपने बारे में, हम उन्हीं जानते हैं कि बिहार में या नॉर्थ ईस्ट में या वहाँ पे क्या हो रहा है, गुजरात में लोग कैसे खाते हैं, इसका हमें थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ उन्होंने कहा कि हम खाना क्या, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मीडिया में जाके, बट ये चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं कि ये कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर नहीं सकते, ये हर आदमी के लिए एक बहुत खाना, और ये 24 घंटे, ये भी नहीं है कि आप इसको एक बार खाने के बाद भूल जाओ, इसको तो आप एक खाना खाओगे तो अगले खाने का आपको इंतजार करना पड़ता है कि उस टाइम क्या खाना खाना है। आपको सुबह की चाय है, चाहे वो नाश्ता है, चाहे रात का खाना है, और कहीं भी हो, चाहे आप यहाँ पे दिल्ली में हो, बाहर हो, आपको खाने का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसमें है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसका खाने में अच्छी चीज़ें हम बनाएं, अच्छे ढंग से दें, और अच्छे सोदर कि ये आगे के लिए चले। देखो अभी खाना हम जो फास्ट फूड और ये चल पे हैं, अब बड़ी एसोसिएशन बन गई हैं ऐसी चीज़ें, एक स्लो फूड एक मूवमेंट शुरू हुई है, शायद आपको इसका भी पता होगा। स्लो फूड मूवमेंट इज़ जस्ट अपोजिट दी ऑफ फास्ट फूड मूवमेंट। इसके अंदर यही चीज़ें हैं जो हम इसमें बता रहे हैं कि आप अपने ओरिजिनल जो हमारे खाने हैं, जो हमारे बड़े लोग हमारे दादा दादी बनाते थे, उस तरीके से खाना खाना चाहिए, ना कि ये जो बेवरेजेस हैं, जो मतलब कि एरेटेड ड्रिंक्स हैं, या आपके खाने जो अपने मैकडॉनल्ड और ये बर्गर और वो हैं, ऐसी खाने की नहीं है। आपकी जो लोकल चीज़ें खानी है, सीजन की चीज़ें खानी है, उन्हीं को बढ़ावा देना है। इंडिया वर्ल्ड की जो सबसे एग्जॉटिक चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, उनमें से एक सब्ज़ी एक आती है, मैं नाम नहीं इसका जानता, जो आपके उत्तराखंड में एक मिलती है, वेरस ये कहीं पे भी नहीं, वो बहुत महंगी चीज़ कहलाई जाती है, एक बड़ी एग्जॉटिक एक सब्जी है जो हाँ की करती यू नो इट आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट दैट्स अ वेरी एग्जॉटिक। अगर आप गूगल करें तो वर्ल्ड की जो 10 सबसे एग्जॉटिक चीज़ें हैं, वो उनमें से एक ये है जो आपके यहाँ मिलती है, और वो दिल्ली और इंडिया वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलेगी, बड़ी लिमिटेड जगह पे मिलती है। तो इस चीज़ की पहले तो अपने खाने की हमें इतनी वैरायटी इंडिया में है, चाहे आप कश्मीर से लेके साउथ तक चले जाइए,
आप सब जानते हैं हर 40-50 किलोमीटर बाद कोई ना कोई खाना का बदल जाता है। उनके पीछे बड़ी बड़ी हिस्ट्री है। सबसे पहले तो हमें अपना इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि इससे बढ़िया खाना कुछ और नहीं है। हमें हमेशा ही अपने खाने की तारीफ करनी चाहिए। कभी मत कहा करो इंडियन खाने में नहीं जी तेल होता है, मीठा होता है, ये होता है, ये नहीं चाहिए। जो तेल होता है या घी होता है वो ज़रूरी होता है उस खाने के लिए। अगर आप मॉडर्न रोगन जोश कह रहे हैं तो रोगन जोश में रोगन नहीं होगा तो खाना नहीं रोगन जोश नहीं कहलाता। सिमिलरली आपके खाने में अगर वो चीज़ें जिन चीज़ों की जरूरत है, अब ये हम नहीं कहते कि आप रोज़ खाओ या उसको किस तरीके से खाना है या किस चीज़ का कौन सा मेन्यू में कैसी आइटम लेनी है, पर सबसे पहले तो आपको हमने इस बात का हमेशा गर्व करा करो कि हमारा खाना बहुत बढ़िया और सबसे बढ़िया है, ठीक है। और जब तक ये नहीं होगा, नहीं तो तब तक आप स्पेशली बच्चे आप लोगों को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही आगे ये चीज़ संभालनी है, आप लोगों ने ही आगे इसका नेतृत्व देना है। दूसरा है कि अपनी चीज़ों का जो हमारे पास होती थी पुरानी, उनको जागृत करो, उनको पता लगाओ क्या है, क्या होता था। अगर हमारी दादी या नानी कुछ बनाती थी ना, वो उनके कुछ मकसद होते थे। उन चीज़ों को हम भूल गए हैं। हम आजकल की बड़ी फास्ट मोमेंट के चक्कर में हम वो भूल गए हैं कि हम वो चीज़ें कैसे बनती थी, क्या होती थी। चाहे त्योहारों पे, चाहे आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तब है, और हर सीज़न पे अलग चीज़ होती थी। जैसा सीज़न होगा, जैसा जो प्रॉब्लम भी होगी पर्सनल लेवल पे, आपको कोई अगर सिर दर्द है या आपको पेट खराब है तो उसके लिए घर के ही नुस्खे होते थे। ये चीज़ें सर घर में मिल जाती थी, हमें कहीं बाहर लेने की जरूरत नहीं होती थी। इन चीज़ों का पता करिए, इनको यूज़ करिए, इनका बढ़ावा सबको पता होना चाहिए। दुनिया में आप अपनी चीज़ों के उसके माध्यम से ज़रा बताओ इनको। रेसिपीज़ के बारे में, रेसिपी इम्पॉर्टेंट होती है, पर रेसिपी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें उसका तरीका बनाने का। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बताऊँगा, आपकी अगर बेसिक्स अगर ठीक हैं तो बाकी उसके बाद बेसिक्स मतलब कि जो आपको सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, होटल मैनेजमेंट के या इंस्टीट्यूट में, उनमें वो चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं और उसी को प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से काटना चाहिए, छीलना चाहिए, बनाना चाहिए, सब्जी बनानी चाहिए, छोंक लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें एक बार सीख जाओगे उसको, उसकी बात फिर उसके फास्ट करना बाद की बात है। जल्दी जल्दी मतलब ये मतलब काटना है या जल्दी बनाने हैं, पाइपिंग करनी है, वो बाद में फास्ट करिए। पहले आप एक बेसिक सीख लीजिए कैसे यूज़ करना है उसको। अगर वो कर लोगे फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, उसका आपका फिर कोई भी एंड नहीं है। यू विल हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी कर सकते हो, एक ही चीज़ को नए नए तरीके से बना सकते हो। आप दूसरे के खाने को अपने माध्यम से चेंज कर सकते हो कि आपको इतने तरीके आते हैं। ये जितने बड़े बड़े शेफ रेस्टोरेंट बने हैं वो यही चीज़ करते हैं अपनी क्रिएटिविटी, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसको फिर दिमाग यूज़ करते हैं उसके लिए कि हम अपने कौन सी चीज़ को। और प्लस कुछ ये पढ़ना, देखना और आगे से एक्सपीरियंस करना। कंपटीशन में आओगे तो कहीं भी कंपटीशन होता है, ये एक देखा गया है, जहाँ भी कुलरी कंटेस्ट या किसी चीज़ का कंपटीशन हो, वहाँ का स्टैंडर्ड उस जगह का अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि वहाँ के लोग जब अब एक अपना खाना बना के मैं लेके आता हूँ, मैं जब इनका खाना देखूँगा वहाँ पे, तो मुझे कोई नई चीज़ दिखेगी या उसको नए तरीके दिखेगा तो पिकअप करके जाऊँगा। तो वो जिस एरिया में भी ये कंपटीशन होंगे, उस एरिया की उस जगह का जो एक स्टैंडर्ड है वो अपने आप स्तर बढ़ जाता है। तो ये एक कंपटीशन कराने का, ये मैं सोचा करो कि एक मजमा लगाना है या कुछ करना है, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए एजुकेशन होती है और उस जगह पे आपको मौके मिलते हैं पब्लिक को भी दिखाने के खाने कैसे खाए जा सकते हैं। एजुकेशन में अच्छा ये रही है शेफ्स की जो एक अपनी एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि जब मैं शेफ्स की एक एसोसिएशन है जो मैंने बताया आपको, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए खाना बनाते हैं, वो एक क्लब द शेफ के नाम से है। ये 1990 में मैंने ज्वाइन की थी, इंडिया को पहले रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, क्योंकि फिर MS गुप्ता जी आए, मैं 7-8 साल रहा उसके अंदर। हर साल कहीं ना कहीं, अब ये मोंटू सैनी हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे कर रहे हैं, और 2017 में शायद इंडिया में हुए थे तो राष्ट्रपति भवन में भी आए थे और मोदी जी से मिले थे पूरे मेंबर्स वगैरह। तो उसके तहत आप बड़े मौके मिले कि मुझे वाइट हाउस जाने के, या वहाँ पे क्लिंटन प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने हमें बुलाया,
तो ये इतनी रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ। अगर आप वहाँ पे गए प्रीमियर कनाडा में, तो टोरंटो में या ओटावा में उन्होंने अपने वहाँ पे, हाँ तो वो क्रेटिन होते थे उस टाइम वहाँ की, मैं 95-94 उसकी बात कर रहा हूँ, थाईलैंड की क्वीन प्रिंसेस ने अपने आप खाना बना के हमें खिलाया था, एक सैलड बनाया था। तो आपको देखो जब ऐसे मौके मिलते हैं इस लेवल पे, तो वो शेफ़ ही था तभी ये मौका मिला। तो आपको इस पोजीशन पे इस यूनिफॉर्म की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, और ये बहुत जगह जगह आपको ले जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जब से देखा है संजीव कपूर और रणबीर बरार और ये जो लोग कितना सोखी और ये सब कर रहे हैं काम, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो टीवी शेफ्स से इतना अच्छा कर रहे हैं, मशहूरी कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है और इनको देखा है, इनका प्रेजेंटेशन है, उसमें भी अगर आप लोग आना चाहें तो वो भी एक फील्ड है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जगह पे है, इट इज़ नॉट ओनली इन दी होटल्स रेस्टोरेंट केटरिंग, यू नो क्रूज लाइनर्स और एयरलाइंस की केटरिंग में, बट आपको बहुत जगह पे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको फूड डिज़ाइन या इनफैक्ट जैसे मसाले की बात कर रहे थे, मसाले के लिए अगर मसालों को तैयार करना है, मसालों को यूज़ कैसे करना है, मसाले के लिए उनकी उनको प्रमोट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें बना के, वो भी एक शेफ़ लोग ही आगे बता सकते हैं। और ये एक दूसरे के साथ इंडस्ट्री में और इनके शेफ़ का मिलके ये जो आगे बढ़ावा है, वो नई नई चीज़ें लेके आएंगे, उनकी पैकेजिंग करेंगे, वो उसको बताएंगे कैसे तरीके से बना सकते हैं, और ये तरीके आप सजेस्ट कर सकते हो और निकल आइडिया ला सकते हो। और नहीं तो इनफैक्ट चीज़ें बना के भी, ये तो सिर्फ मसाले ही हैं, इवन सम प्री कुक्ड पैक फूड कैन ऑल्सो बी यू नो थॉट ऑफ और डिज़ाइन अकॉर्डिंगली। ये प्रोफेशन आप के लिए बहुत अच्छा चुना है आपने, तो आप पहले तो पहले इस बात के बहुत बहुत आपको मुबारकबाद दूँ कि आपने बड़ी अच्छी लाइन में आए हो, आपने जो इस चीज़ को इकट्ठा बढ़ावा दे रहे हो, ये एक मैगज़ीन के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, यूट्यूब के अपने चैनल और वॉट आपने जो एक बनाया है ऐप भी कर रहे हैं उसके लिए, आई थिंक इट्स सराहनीय है। मैं इसके उठ के बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। कभी भी किसी टाइम भी इसकी ज़रूरत हो हम लोगों को, शेफ़ एसोसिएशन को, उसके लिए हम आपके साथ हैं और जुड़ना चाहेंगे। धन्यवाद।